फ्रेंड्स, ये देखिए समोसा का डो बनाने के लिए मैदा लिया है मैंने, उसमें थोड़ा नमक डाल दी हूँ मैं। मंगरेला जमाइन डाल दिया है, ये रिफाइंड डाल रही हूँ मैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये कितना अच्छे तरीके से मिल गया है, ये देखिए, ये जब तक मुट्ठी भर के नहीं बन जाता है इस तरीके का, देख रहे हैं। ये पानी के साथ इसका मैं डो बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट डो बन गया है। इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के अच्छे से रख दूंगी। तक के लिए मैं स्टफिंग तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये उबली हुई आलू है, इसको इस तरीके से मैश करना है। ये इस तरीके से मैश कर लेना है। ये प्याज है, अदरक का पेस्ट है, ग्रीन चिल्ली है, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता है। अब इसको मैं कढ़ाई में डालूंगी। ये कढ़ाई में तेल डाली हूँ मैं, अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी। जीरा हो गया है, अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँ। हाँ, इसके बाद मैं इसमें मैं प्याज डाल दी हूँ। ये थोड़ा सॉटे हो गया है, ऐसा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अदरक का पेस्ट नहीं, ये अदरक को मैंने कूट लिया है। अब इसमें उबले हुए आलू डाल रही हूँ। ये देखिए आलू डाल दिया है। देखिए इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। टू टेबल स्पून डाला है मैंने नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये हल्दी पाउडर, ये मिर्ची पाउडर, ये जीरा पाउडर है। ये देखिए ये थोड़ा इसमें गरम मसाला भी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा बादाम डाल रही हूँ, ये एडिशनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा किशमिश है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टफिंग तैयार हो गई है समोसे की। अब लास्ट में इसमें धनिया का पत्ता डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी हुआ है फ्रेंड्स। इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है। अब मैं इसकी पूरियां बेलती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बेल लेना है। ये देखिए, अब इसको बीच से ऐसे काट लेना है। अब इसे इस तरीके से लगा के इस पे हल्का पानी लगाना है। ये देखिए इस तरीके से कर लेना है।
अब इसके जो यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से पानी लगाना है ताकि ये जब तेल में जाए तो फूले ना। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बन के रेडी है। अब इसको तलने के लिए तेल में डालते हैं।